एक्ट्रेस ऐसी भी हैं जिन्हें बहुत ही शानदार काम मिला, लेकिन अचानक फिर वो फिल्मी स्क्रीन से गायब हो गई। लेकिन हमने एक बहुत बड़े स्टार को अपने पास पकड़ रखा है, उन्हें ढूंढ रखा है। मिलवाते हैं आपको शांति प्रिया जी। मैम बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच, इट्स माय प्लेजर। आपके आपके फैंस आपसे बहुत नाराज हैं। आप कहाँ हैं इतने दिनों से? आप दिखती नहीं बॉलीवुड में, फिल्मों में भी नहीं दिख रही। आप हैं कहाँ, क्या कुछ कर रही हैं, कुछ बताइए प्लीज। मैं बहुत इधर ही हूँ, मुंबई में हूँ, और मैं माफ़ी चाहती हूँ, फैंस नाराज है, बट मैं कहीं भी फिल्म इंडस्ट्री छोड़ के नहीं गई। ऑफकोर्स मैं इधर ही टेलीविजन किया था, माता की चौकी 2008 से 2012 तक किया था। उसके बाद एक समर वेकेशन जैसा मैंने वेकेशन लिया। समर वेकेशन हर एक साल में आता है, बट मैं बहुत 2-3 साल कंटिन्यूसली ले लिया, और अभी वापस आना चाहती हूँ और करना चाहती हूँ। अभी बॉलीवुड लाइव बॉलीवुड के कोई ऑफर आपके पास आया है क्या? लोग आपको काम के लिए पूछ रहे हैं, आखिर क्या वजह रही कि आप बॉलीवुड से दूर हैं? मैं बिल्कुल बॉलीवुड से दूर नहीं हूँ। मैं बहुत बहुत कुछ ऑफर्स आया है, डाउन साउथ में भी आया है और हिंदी इंडस्ट्री में भी आया है, बट सिर्फ अभी फ़िलहाल मैं रिवील नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि वो प्रोडक्शन हाउस का रिक्वेस्ट है। सो दे वांट टू कम विद अ सरप्राइज, सो यू हैव टू वेट एंड वॉच फॉर दैट। कई बार देखा गया है बॉलीवुड के भी बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी हैं वो टीवी की तरफ रुख कर लेते हैं, टीवी में काम करते हैं, तो आपको किसी तरीके का कभी ऑफर आया है या फिर आपने उसे डिक्लाइन किया है? नहीं, बिल्कुल मैं टेलीविज़न को डिक्लाइन नहीं किया है, क्योंकि मैं हिंदी इंडस्ट्री में जब आई थी मैं टेलीविज़न से ही आई थी। विश्वामित्रा शकुंतला का कैरेक्टर किया था, उसके बाद सौगंध किया था, तो और मेरा लास्ट पिक्चर एक पे एक के बाद भी मैंने आर्यमान और माता की चौकी किया। So both are into in right now for me. I am not declining any digital or television or big screen. I am willing to do everything. आप टीवी तो देखती ही होंगी। बिग बॉस बहुत बड़े लेवल पर शो चल रहा है। आपको जाने का मौका मिले तो क्या कहेंगी? जाने का मौका मिलेगी तो ज़रूर जाऊंगी। बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम अभी तक मैं बाहर एक ऑडियंस के तरफ बैठ के देखी थी घर पे, बहुत इंटरेस्टिंग है, और मुझे एक बार अंदर जाके देखना है क्या एक्चुअली होता है, उसको महसूस करना है मुझे। सो ज़रूर ऑफर आएगा तो ज़रूर जाऊंगी। सौगंध फिल्म के साथ आपने अक्षय कुमार के साथ बॉलीवुड में डेब्यू किया था। अक्षय कुमार आज बॉलीवुड का बहुत बड़ा नाम है। आपने उनकी रिसेंटली फिल्म केसरी रिलीज हुई है देखी? यस, कल ही मैं कल रात को 10:15 शो PVR में जाके देखी थी। आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम एंड आई एम प्राउड टू टेल दैट आई एम हिज फर्स्ट हीरोइन। आपने उनके साथ महीनों काम किया, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या कुछ चेंज हो गया अक्षय कुमार के साथ? पर्सनली तो मैं मिली नहीं थी, क्योंकि 2 साल हो गया उनको पर्सनली मिलके, बट जब 2 साल पहले भी मैं जब मिली थी, जैसे पहले दिन मैं सौगंध को मिली थी वैसे ही अभी भी वो है, कुछ चेंजेस नहीं है, बस मोर कंफर्टेबल है अभी डांसर्स में। पहले बहुत थोड़ा सा कॉन्शियस होते थे डांस में, बट अभी शायद बहुत कंफर्टेबल है डांस कर। अक्षय कुमार ने आपसे ये नहीं कहा कि बॉलीवुड में फिल्में करनी हैं, आपको किसी तरीके का ऑफर नहीं दिया, या फिर आपको उन्होंने ये नहीं कहा कि आपको आ जाना चाहिए, काम करना चाहिए फिर से एक बार? मैं अभी तक हमारा दोनों का ऐसा डिस्कशन हुआ नहीं है। अगर उनका तरफ से कुछ ऑफर्स आया है ज़रूर उनके लिए मैं ज़रूर करूँगी। थैंक यू वेरी मच। तो ये हैं शांति प्रिया हमारे साथ इस वक्त हैं, और इन्होंने साफ तौर से बताया कि बॉलीवुड से दूर नहीं है, इनकी कोशिश अभी भी जारी है। हाय, आई एम शांति प्रिया। इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड इफ़ यू लाइक हिंदी रश, प्लीज़ सब्सक्राइब देम। थैंक यू।